दोस्तों, अपने बॉलीवुड की गलियारों में दोस्ती के चर्चे तो खूब सुने होंगे, पर क्या आपने उन अभिनेत्रियों की दुश्मनी के चर्चे सुने हैं? हमारे बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया, जिनमें से एक नाम आता है काजोल का, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से अलग पहचान बनाई। आज इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इनके बारे में सब जानते हैं, पर क्या आप इनके दुश्मनों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको काजोल के दुश्मनों से रूबरू करवाएंगे, जिनसे है इनका 36 का आंकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, मनीषा कोइराला। बॉलीवुड की गॉर्जियस अभिनेत्री मनीषा कोइराला और काजोल भी एक समय काफी अच्छे दोस्त थे। 1997 में फिल्म गुप्त की वजह से दोनों की दोस्ती में टकरार हो गई। इस फिल्म में दोनों ने अपने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से निभाया, लेकिन दर्शकों को इस फिल्म में काजोल से ज्यादा मनीषा कोइराला पसंद आई, जिस वजह से ये बात काजोल को बुरी लगी और उसी दिन के बाद से काजोल ने मनीषा के साथ कोई फिल्म नहीं की। वर्तमान में ठंडी दुश्मनी बरकरार है। नंबर 4, रवीना टंडन। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ने अजय के साथ दिलवाले फिल्म में काम किया। इस फिल्म में अजय देवगन और रवीना टंडन के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जो कि ये बात काजोल को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके चलते काजोल ने रवीना टंडन को धमकी दे दी, लेकिन रवीना टंडन ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, जिसके चलते इन दोनों में आज भी बहुत बड़ी दुश्मनी है, जिसके चलते काजोल रवीना की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नंबर 3, सोनाली बेंद्रे। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और काजोल ने फिल्म डुप्लीकेट में साथ में काम किया। इस फिल्म में इनके अपोजिट शाहरुख खान दिखे थे। आपको बता दें, इस फिल्म में काम करने के दौरान शाहरुख और सोनाली बेंद्रे काफी करीब आ गए, लेकिन ये बात काजोल को गवारा नहीं थी, क्योंकि काजोल भी मन ही मन शाहरुख से प्यार करती थी। और जब ये बात काजोल को पता चली कि शाहरुख खान सोनाली बेंद्रे से प्यार करते हैं, तभी से इन्होंने सोनाली से बात करना बंद कर दिया, और आज तक इन दोनों ने कभी एक दूसरे को पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 2, कंगना रनौत। बॉलीवुड की ग्लैमरस अभिनेत्री कंगना रनौत भी काजोल की दुश्मनी की लिस्ट में है। आपको बता दें, इन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से हुई। इस फिल्म में कंगना रनौत और अजय देवगन एक साथ काम करते हुए दिखे थे। इस फिल्म के दौरान अजय देवगन कंगना रनौत की तरफ आकर्षित हो गए, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, लेकिन जब ये बात काजोल को पता चली तो काजोल ने कंगना रनौत को वार्निंग दे दी। हालांकि कंगना रनौत ने अजय देवगन से दूरियां बना ली है, लेकिन आज भी काजोल कंगना से बेइंतहा नफरत करती है। नंबर 1, करिश्मा कपूर। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर और काजोल की दुश्मनी से भला कौन अनजान होगा? जैसा कि आप जानते हैं, एक समय पर करिश्मा कपूर अजय देवगन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इन दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन अजय देवगन ने करिश्मा कपूर को धोखा देकर काजोल से शादी कर ली। वहीं करिश्मा कपूर अजय देवगन से हद से ज्यादा प्यार करती है। इन्होंने अजय देवगन का पीछा शादी के बाद भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते काजोल और करिश्मा में काफी बहस भी हुई, और उसी दिन के बाद इन दोनों में इतनी टकरार है कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी अभिनेत्रियों को अपनी अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं? साथ ही आपको काजोल की कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है, उस फिल्म का नाम कॉमेंट बॉक्स में बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।